दोस्तों आईपीएल 2020 के छठे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना जो है वो करना पड़ा, जहां पर किंग्स 11 पंजाब ने 97 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दी मात। यहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तीन बड़ी वजह के बारे में जिस वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो टीम है ये मैच हारी है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आपको क्या लग रहा है दोस्तों क्या थी सबसे बड़ी वजह कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ये मैच हारी, वो भी इतनी बुरी तरीके से? आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। यहां पर टॉस जो है वो किंग्स 11 पंजाब के फेवर में नहीं गया, लेकिन उनको बैटिंग करने का मौका मिला। 206 रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए और 109 रनों पर ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ऑल आउट हो गई। तो बहुत ही बड़ी ये हार थी 97 रनों की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की, ये पहली हार है आईपीएल 2020 में। बात करते हैं दोस्तों वजह की कि क्या क्या वजह रही कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ये मैच हारी। तो सबसे पहली वजह थी दोस्तों इनकी फास्ट बॉलिंग, बहुत ही असाधारण फास्ट बॉलिंग जो है फिर से हमें देखने को मिली। लास्ट ईयर की जो कमजोरी थी वो एक और बार हमें जो है वो नजर आई, जहां पर सभी के सभी फास्ट बॉलर जो हैं काफी महंगे साबित हुए। डेल स्टेन ने 4 ओवर में 57 रन दिए 14.2 की इकॉनमी से, उमेश यादव ने 3 ओवर में 35 रन दिए, इनके अलावा नवदीप सैनी और शिवम दुबे भी जो है खासे महंगे साबित हुए। स्पिनर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे चहल की बात करें चाहे वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, लेकिन फास्ट बॉलर्स जो हैं यहां पर अपना काम नहीं कर पाए। और ये एक बहुत ही बड़ी वजह रही कि 206 रन जो है वो बना गई किंग्स 11 पंजाब की टीम। बात करें दोस्तों दूसरी बड़ी वजह की, तो दूसरी बड़ी वजह रही यहां पर फील्डिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच विराट कोहली ने मिस किया 17वें ओवर की आखिरी बॉल में, और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि आखिरी 20 गेंदों में किंग्स 11 पंजाब की टीम ने 80 रन जो है वो करीब बनाए। केएल राहुल के 2 कैचेस विराट कोहली ने जो है वो ड्रॉप किए, जो कि काफी सिंपल कैचेस थे, जिसका फायदा केएल राहुल ने काफी अच्छा उठाया और आखिरी के 3-4 ओवरों में 80 रन करीब जो है वो बनाए किंग्स 11 पंजाब की टीम ने। और ये एक बहुत ही बड़ी वजह रही कि किंग्स 11 पंजाब की टीम इस मैच को जीती और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को यहां पर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वहीं बात करें दोस्तों तीसरी बड़ी वजह की, तो तीसरी बड़ी वजह रही बैटिंग। 207 रन चेस कर रहे थे, इतना बड़ा खासा टोटल जो है वो नहीं था, और कभी भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो है वो चेस में हमें नजर ही नहीं आई। देवदत्त पाडिकल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, वन डाउन करने आए फिलिपी 0 रन बनाकर आउट हुए, विराट कोहली से उम्मीद थी, विराट कोहली भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। एबी डिविलियर्स थोड़े टच में हमें नजर जरूर आ रहे थे, 28 रन उन्होंने बनाए, वो भी 155 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, कोई भी प्लेयर इनका साथ भी नहीं दे पाया, और सिर्फ 109 रन पर जो है ऑल आउट हो गई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। तो दोस्तों ये तीन बहुत ही बड़ी वजह थी जिसकी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को एक बहुत ही बड़ी और शर्मनाक हार का सामना जो है वो करना पड़ा। यहां पर आपको बता दें कि इस हार से इनके रन रेट पर भी काफी फर्क पड़ा है, काफी नेगेटिव रन रेट जो है इनको इस मैच के बाद मिले हैं, जिसके बाद ये टीम अब जो है पॉइंट्स टेबल में भी 6 नंबर पर आ चुकी है। इससे पहले 3 नंबर पर ये टीम जो है वो चल रही थी। तो खासा नुकसान इस मैच से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों यहां से रिकवर जरूर करे आरसीबी की टीम और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिले। अब दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या थी सबसे बड़ी वजह कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ये मैच हारी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।